हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। आइए अब एक लास्ट वीडियो इस सीरीज़ में जो अभी फ़िलहाल हमने केडी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्रिएट की, जिसमें हमने जीएसटी के एडजस्टमेंट्स को समझा। अब फाइनली हम एंट्रीज पास कर देते हैं, एक तो जनरल वाउचर एंटर कर देते हैं और एक फाइनल पेमेंट कर देते हैं टैक्स की। तो चलिए चलते हैं इसके लिए हम टैली पर। टैली में हम करेंगे वाउचर्स, वाउचर्स में जनरल वाउचर, इसकी डेट हम ले लेंगे आखिरी महीना, मतलब सॉरी महीने की आखिरी डेट 31 जुलाई 2017। इसमें हमने एंटर किया बाय, सबसे पहले हम ले रहे हैं आई जी एस टी आउटपुट, इसको हमने डेबिट किया और इसका अमाउंट है 1,27,690। आप देखेंगे इसको हमने ज़ीरो कर दिया। अभी टू पूछ रहा है, नहीं अभी हम बाय पर ही चल रहे हैं क्योंकि हमने तीन चीज़ें डेबिट करनी है। फिर सी जी एस टी आउटपुट, अब देख पा रहे हैं इसका बैलेंस क्रेडिट में है 92690, बट हम इसको डेबिट करके इसको भी ख़त्म कर देंगे 92690। अब आप देख रहे हैं इसका भी बैलेंस ज़ीरो हो गया। फिर से इसको बाय करेंगे बी करके। अब हम ले रहे हैं एस जी एस टी आउटपुट, अब देख पा रहे हैं इसका बैलेंस भी 92690 है। अब इसको भी हम डेबिट कर देंगे और इसको भी ख़त्म कर देंगे, इसका भी बैलेंस ज़ीरो टू। अब हम आई जी एस टी का लेंगे, आई जी एस टी इनपुट, तो इसको हम लेंगे 2,17,200 पे, करेक्ट। अब देख रहे हैं अब इसका भी बैलेंस ज़ीरो हो गया। इसी तरह से सी जी एस टी इनपुट, इसका हम ले रहे हैं 38,880, अब देखेंगे इसका बैलेंस भी ज़ीरो हो गया। एंड एस जी एस टी इनपुट, इसको भी हम लेंगे 38,880। अब देख पा रहे हैं सारे बैलेंस मैंने ज़ीरो कर दिए, आई जी एस टी आउटपुट, सी जी एस टी आउटपुट, एस जी एस टी, सब 0000000। लेकिन अभी भी भाई लायबिलिटी तो खड़ी है और लायबिलिटी मेरी खड़ी है। अब एस जी एस टी पेएबल मेरा निकल के आया था लास्ट में, वो जो मैंने अपनी प्राइवेट वर्किंग की थी, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर ये एस जी एस टी पेएबल मेरा ये जो है आपका निकल के आ गया था फाइनली, और इसको मुझे पे करना है। अब मैं टैली में इसकी एंट्री करूँगा तो इसके लिए मुझे ऑल्ट सी करके जो है पहले एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का कोई लेजर बना नहीं था एस जी एस टी पेएबल। और मैं इसको क्योंकि तुरंत ही पे करना है तो इसलिए करंट लायबिलिटीज़ में इसको ले लेता हूं। और यस, फ़िलहाल इसने अपने आप उठा लिया एस जी एस टी पेएबल 18,110, वही हमारा डिफरेंस था, इसको हम पे कर देंगे। तो ये हमारी लायबिलिटी खड़ी हो गई बीइंग मंथली एडजस्टमेंट एंट्री नेचुरली फॉर जी एस टी एंड जी एस टी पेएबल, करेक्ट। एक्सेप्ट करने से मेरा ये वाउचर जनरल एंट्री कम्प्लीट हो जाएगी। अब मैं लास्ट में एक पेमेंट वाउचर डालूंगा 18,110 का, इसकी भी मैं डेट 31 जुलाई पहले से ही ले रहा है, बैंक मेरा स्टेट बैंक इसमें यूज़ होगा, वहाँ से मैंने पे करना है। और मैंने पे क्या करना है, एस जी एस टी पेएबल, ये जो मेरी लाइबिलिटी थी इसको मैं पे कर रहा हूँ 18,110। अब देख रहे हैं इसका भी बैलेंस ज़ीरो, लायबिलिटी मैंने खड़ी की 18,110 की, लेकिन अब मैंने उसको भी पे कर दिया जब मैंने जनरल वाउचर के थ्रू एक लायबिलिटी क्रिएट की, और अब फाइनली उसको भी मैं वाउचर से पे कर रहा हूँ, तो अब ये मेरा काम कंप्लीट है। तो चलिए ख़त्म, इसकी मैं एंट्री नहीं डाल रहा, डिटेल्स कैसे मैंने पे किया, बीइंग एस जी एस टी पेबल इज पेड थ्रू बैंक, मैंने बैंक के थ्रू इसको पे कर दिया, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो मेरा ये पेमेंट वाउचर कंप्लीट हो गया। अब मैं एक बार जाके बैलेंस शीट में अपनी लायबिलिटीज़ में देख सकता हूँ कि माय ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस इज़ निल। देख रहे हैं आप पहले इसमें ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में कितनी फिगर थी, अब कुछ नहीं है क्योंकि मैंने जितने भी इनपुट एंड आउटपुट थे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के सारे राइट ऑफ कर दिए, आपस में सेट ऑफ करके फाइनली जो उसकी लायबिलिटी निकली बैंक से पे कर दी, बात खत्म हो गई, ठीक है जी। तो चलिए इस वीडियो सीरीज़ में इतना ही, और अब इसके आगे फर्दर एक्सटेंशन सीरीज़ हम पढ़ते रहेंगे। फ़िलहाल ये वीडियोस आपको आई होप कि ये एक्सप्लेन करने में सफल रही होंगी कि किस तरह से जीएसटी के साथ पार्टी क्रिएट करते हैं, स्टॉक लेजर्स क्रिएट करते हैं जीएसटी के डिटेल्स के साथ, और किस तरह से उनके टैक्स इनवॉइसेस एंटर करते हैं, फिर फाइनली ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के एडजस्टमेंट्स किस तरह से हम जीएसटी के जो इनपुट आउटपुट के रूल्स हैं उनके जो एक तरह से सीक्वेंसेस हैं उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, थैंक यू।